साथियों गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार देखिए, ये सरयद जी है और आज इस मंच पर हमारे मल्लिक साहब के सारे गेस्ट लोग आए हुए हैं, जिसमें एक गुड़िया भी आई हुई है और गुड़िया के साथ साथ गुड़िया के सारे मम्मी पापा और मल्लिक साहब के जो छोटे भाई हैं वो भी आ जाए हैं, और उनके छोटे भाई इजराइल में रहते हैं और उनकी जो बेटी है वो एक नन्ही परी है। उन्होंने हमें बताया कि अंकल आपका यूट्यूब के माध्यम से हम जो वीडियो देखते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है, और उनका बेटा हमारा पावर इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के आ रहा है। आइए, वेलकम, आपका इस मंच पर स्वागत है। उनका बेटा जो है इजराइल में रहता है लेकिन हमारा इंडियन है। इंडियन जितने भी हैं जो विदेशों में रहते हैं वो हमें काफ़ी लाइक करते हैं, चाहते हैं, और वो हमें फ़ोन से कभी कभी सूचना भी देते हैं कि सर आपका वीडियो जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है। आपका शुभ नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत, थोड़ा इजराइल भाषा में बताइए। बताइए क्या बोले? अच्छा, बकर तो। तम, आप कुछ इजराइल में बोलिए, बोलिए ना। सलाम। सलाम। और आप सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो खैर, इजराइल में ये बच्चा पढ़ते हैं और आप भी इजराइल में जॉब करते हैं। तो सरयद जी कैमरा को संभालिए। आज बच्चों के सामने हम एक अजगर सांप को बताने वाले हैं। अजगर सांप कहाँ है, लेके आइए भाई। अजगर जो होता है ना वो जहरीला नहीं होता है, और अपने आहार को, अपने जो भोजन है उसको ये जकड़ करके भींच करके जान मार देता है। थोड़ा पकड़िए सर। हाँ हाँ, हमारी मौसी जी को थोड़ा पूंछ पकड़ने दीजिए भाई। यहाँ यहाँ देखिए बेटा, लोग देखिएगा, अजगर जो होता है ना दुनिया का सबसे आप आइए आइए, अजगर जो होता है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सांपों में एक सांप, लेकिन नॉन विनमत। थोड़ा सा बेटा शांत रहिए, थोड़ा सा। अजगर की कुल लंबाई, वहाँ 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 कैमरा में, अजगर की कुल लंबाई 25 फीट पाई गई है इंडिया के अंदर में, और ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता है, और अपने आहार को ये जकड़ करके भींच करके जान मार देता है, और अपने मुंह को 180 डिग्री तक खोल लेता है। अपना शरीर का जो मोटाई है इसको सर देखिए, वन मान लीजिए 1x5, मतलब इतना मोटा फीड्स कर लेगा। एक अजगर को पकड़ना और एक शक्तिशाली बम को डिफ्यूज करने के बराबर है। अजगर जो होता है ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। हमने टीवी के माध्यम से देखा, शायद कोई एक लड़की को ये गिल गया था, यानी बहुत बड़ा अजगर था, जब उसको गिल जाने के बाद कुछ लोग उसको चीर फाड़ किए तो डेथ बॉडी अजगर का पेट से बरामद हुआ। तो साथियों ध्यान रहे, आप अपना बेटी को खास करके बेटा से ज्यादा वैल्यू दे, क्योंकि अगर आप बेटी ही सर्वोपरि, बेटी है तो आंगन खुशहाल है, बेटी अगर है आपके घर में तो फिर आपको राखी जो बांधने का जो होता है त्योहार उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बेटियां हैं तो हर चीज है, और बेटियां अगर घर में नहीं है तब तो आपका हीरो होंडा भी गायब है और बुलेट भी गायब है घर से, ये भी सुन लीजिए। इसलिए बेटी को सम्मान करें, महिला को सम्मान करें, और इजरायली भाषा में आप लोग क्या बोलेंगे सांप को, थोड़ा वहाँ कैमरा में बोलिए। नखास, जोर से बोलो नखास। आज हमें एक नया चीज जानने का मौका मिल रहा है कि ये सांप को हम लोग नखास भी कहते हैं ना, नखास। हिंदी में, इंडिया में हिंदी में अजगर, बंगला में मोयाल, इंग्लिश में इंडियन पाइथन, और एक साइंटिफिक नेम है पाइथन मोरुलस। ये आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है, और हम चाहेंगे कि इस अजगर को एक बार जमीन में छोड़ दें, है ना, जमीन में छोड़ने दीजिए थोड़ा सा। आज ही इसे हम कोशिश करेंगे पंचेत पहाड़ी में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। तो थोड़ा महिला लोग थोड़ा सा आगे आइए, हर काम में महिला आगे होना चाहिए, हर काम में महिला आज किसी से कम नहीं है। इसी तरह नारी शक्तिकरण का बढ़ावा होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में नारी शक्तिकरण का बढ़ावा होना चाहिए। नारी है तो सारा चीज आपका अप टू डेट है। नारी को अगर आप परेशान कीजिएगा, यानी मैन स्विच को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए नारी को हमेशा सम्मान कीजिए। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ, बेटा आप लोग आइए, इधर आइए, आप कहां चले गए हैं, इधर आइए।
कुछ बोलना है आप लोगों को? बोल दो, हिब्रू में बता दो पाइथन को क्या बोलते हैं और बताओ लाइक करना अच्छा होता है। बताइए अपना भाषा में बताइए, बोलिए कि सांप को बचाना है, अपना भाषा में बताइए। साथियों इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम।